एक्स प्लस थ्री, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3x+3। इस फंक्शन की लिमिट देखने के लिए बच्चों डायरेक्ट इसमें आप एक्स को 3 डाल सकते हैं। कब डालना होता है और कब नहीं डालना होता है ये भी मैं बताऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली 3 डाल देते हैं, ये आपका लिमिट पॉइंट है, ठीक है। लिमिट पॉइंट को आप फंक्शन, ये एफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, लिमिट पॉइंट को आप डायरेक्ट फंक्शन में डाल देंगे तो क्या आएगा 6। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी 6। जैसे बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, साइरस समझ आए इसमें कैसे होगा। यस सर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई एक्स माइनस 22/7, ये क्वेश्चन है। विष्णु क्या करेंगे इसमें? एक्स के जगह आप जो लिमिट पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट है हमारा पाई, लिमिट पॉइंट क्या है पाई, तो एक्स के जगह इसमें आप पाई डाल देंगे तो पाई माइनस 22/7 ये आपका आंसर होगा। कनव, लिमिट हाँ एक्स जी अप सर, लिमिट आर अप्रोचेस टू 1, थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट आर अप्रोचेस टू 1 पाई आर स्क्वेयर, फिर आर की जगह बना जाएगा। आर की जगह 1 आएगा तो पाई इंटू 1 स्क्वेयर दैट इज यस सर, पाई। फोर्थ क्वेश्चन। सायरन समझ आ रहा है बेटा? यस सर। विष्णु आप बताओ, 4x+3/x-2। अनीशा पूछना बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, 4x+3 बताओ। फोर पुट कर दूं। एक्स को हम 4 पुट कर रहे हैं, 4 4 16+3 19 2, ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों हम एक्स के जगह लिमिट पॉइंट को डायरेक्टली कब सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, ये किसको पता है? पता है? तो क्या पता जैसे यहाँ में हम नहीं। हमने एक्स के जगह एक्स की वैल्यू क्या डाली है, 4 डाली है, ठीक है। इस 4 को क्या कहेंगे, 4 को कहेंगे लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर, 4। एक्स जिस पॉइंट को अप्रोच करता है उस पॉइंट को हम कहेंगे लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट क्या है यहाँ पर, 4 है, जिसको हमने फंक्शन में क्या डाल दिया, लिमिट पॉइंट को हमने फंक्शन में डाला, तो 4 4 16 19, 19/4-2, 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो फंक्शन में हमने एक्स के जगह पे क्या डाला है, लिमिट पॉइंट, एक्स की वैल्यू को क्या सब्सटीट्यूट किया है, 4। ऐसा कब डाल कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते, बताओ जरा, कौन बता सकता है कि ऐसा कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते? बच्चों जैसे ही आपने ये पॉइंट फंक्शन में डाला, फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया एक्स के जगह पे, और आपका अगर 0/0 नहीं आता है, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं आता है, या इन्फिनिटी अप माइनस इन्फिनिटी नहीं आता है, तो आप डायरेक्टली एक्स के जगह पे लिमिट पॉइंट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लिमिट पॉइंट डालने से 0/0 आ जाता है, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाता है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आता है, इन दैट केस आप एक्स के जगह सॉरी फंक्शन में आप एक्स के जगह डायरेक्टली लिमिट पॉइंट सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। क्लियर है? देखो जरा आगे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, x^10 + x^5 + 1/(x-1)। इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, यानी देखो सुनो। बताओ बच्चों क्या वैल्यू आई आपकी, किसकी इस फंक्शन की लिमिट क्या आई आपकी?
इसमें डल जाएगी डायरेक्ट। डाल के देखो, 1 to the -1 to the power 10 1 हो जाएगा, माइनस माइनस हाफ आ रही है, माइनस हाफ। 1 to the power 5 ये तो नेगेटिव होगा, प्लस 1 upon -1 -1, एक्स के जगह -1 डाला है, तो ये 1 as it is होगा, एंड दिस विल बी -1 की पावर 5 -1 होगा, +1 upon -2, ये दोनों कट हो जाएंगे, 1 upon -1/2, मतलब -1/2 का आंसर आया। यस आप डाल सकते हो, लिमिट पॉइंट डालने के बाद 0/0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है? तो इसमें डाल के ही देखना पड़ेगा कि 0.0 आया डाल कि के ही नहीं। देखना होता है बेटा। बाकी ओके बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपके पास पेपर में नहीं आएगा, पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जिसमें डालने के बाद 0.0 बनता है, ये तो जस्ट बेसिक सब है बिगनिंग के। जैसे 7th क्वेश्चन को, जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूँ आपको, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 x² -4 upon x - 2। बच्चों इस क्वेश्चन में आप अगर एक्स को 2 डालेंगे तो ऊपर बनेगा 0 और नीचे भी 0, तो ये कैसी फॉर्म है? 0.0 फॉर्म है, क्लियर है विष्णु? क्लियर है ये 0.0 फॉर्म है, ठीक है? यस सर। आप इसमें क्या करें, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो ऐसे केसेस में बच्चों आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो, x-2 into x+2, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, x-2। आता हूँ भैया 1 मिनट, इसको आप कैंसिल कर देंगे, सर जो 6th क्वेश्चन है उसमें भी 0.0 आ रहे हैं। 6 अभी रहने दो बेटा, तो थोड़ा सा एडवांस समय। तो ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ से 2 + 2 4 आ जाएगा, ठीक है? क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, ये आपकी लिमिट होगी, ठीक है? 6th क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना, आप 7th क्वेश्चन ट्राई करो, वहां पर भी बच्चों 0.0 आएगा, तो आपको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को फैक्टराइज करना है, एक बार आप ट्राई करो, मैं आता हूँ। ठीक है सर। 7th और 8th। हाँ बेटा किया आपने ट्राई? सर इसके फैक्टर्स बनाने हैं, पहले 0.0 दिखाने हैं कि आ रहा है। 7th क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, फिर x² - x - 10, ये ठीक है, अपॉन क्या है? बच्चों वैसे ही एक रफ आइडिया ले लो, देखो डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो एक्स को 2 डालेंगे तो 0 आ रहा है, ठीक है? और ऊपर भी थोड़ा सा रफली कैलकुलेट कर लो साइड में, कि 3 into 4 - 2 - 10, तो ये 12 - 2 - 10, ऊपर भी 0 हो गया, तो ये 0.0 फॉर्म ही है, ठीक है? इसलिए आपको यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बनाने होंगे। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, विष्णु एंड कनव, अगर आपका कभी भी 0.0 फॉर्म बनता है और न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में क्या है, पॉलिनोमियल है,
और डिनोमिनेटर में भी क्या है इस क्वेश्चन में, पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर 0/0 भी बन रहा है। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल अगर 0/0 बनता है तो उसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है? क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना होगा। पॉलिनोमियल अगर 0 बनाता है तो उसको फैक्टराइज करना है। कुछ और टर्म भी होती है जैसे अंडर रूट की टर्म्स होती हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे सिंप्लीफाई करनी है, राइट? बट अभी जो केस है वो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का है, एंड अगर पॉलिनोमियल 0 बनता है तो उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफाई होगा। तो न्यूमरेटर को फैक्टराइज करो, डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करो, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई कॉमन फैक्टर होगा जो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? करो, जरा ट्राई करो एक बार। हो गया बच्चों? विष्णु, न्यूमरेटर फैक्टराइज हुआ, गया साइरा कनाव, हाँ जी सर, हाँ हुआ फैक्टराइज हुआ, साइरा जी हो गया सर। आपका बेटा, यस सर, निशा नहीं है। IV11/4 आ रहा है। एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और जो बचेगा उसमें आप एक्स को 2 डाल दो, 11/4 आएगा, ठीक है? सायरा, यस सर, हो गया, विष्णु आपका हो गया, हो गया। चलो 8th ट्राई करो। एट्थ क्वेश्चन ट्राई करो। सर कैंसिल करने के जो सेम होते हैं उसको कैंसिल करने के बाद वैल्यू डालनी होती है। ठीक हाँ, उसके बाद वैल्यू डालनी है।
एट क्वेश्चन हो गया कनव, हाँ जी सर, सर 8 क्वेश्चन हुआ। हो गया बस। मनीषा पूछना बेटा कुछ। समथिंग टू द पावर 0 इज 1। अच्छा ये जो टर्म है x² - 9 फर्दर फैक्टराइज हो सकती है, तो इसके फैक्टर्स होंगे x - 3 × x + 3 × x² + 9 upon 2x + 1 × x - 3। ये आपके फैक्टर्स आएंगे, यहाँ पर आप x - 3 को कैंसिल कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x→3। अब आपके पास बचेगा x+3 x² + 9 upon 2x + 1। अब आप इसमें जीरो, अब आप इसमें एक्स को 3 डाल सकते हो बच्चों, अब ये 0/0 नहीं है। ठीक है, फिफ्टी फोर बाय सेवन आ रहा है सर। साइड आपका सोल हुआ बेटा। तो 108 बाय यस सेवन यस सर, भाई, 108/7। 6 × हो जाएगा ना। अच्छा मैंने 6 × 9 कर दिया, 6 × 18 आठ अठारह। ठीक है का ये आएगा। चलो 9th क्वेश्चन ट्राई करो। सॉरी, कैसे होएगा 9th वाला? डायरेक्ट लिमिट डाल दो बेटा, ये तो 0/0 भी नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट लिमिट डाल सकते हो आप। सिर्फ बी आ जाएगा ना इसके लिए सर, बी आएगा अगर 0 डाल मतलब वो डालोगे। यार बताओ जरा, इसमें क्या करेंगे? z^(1/3 - 1) upon z^(1/6 - 1) क्या करेंगे इसमें? देखो बच्चों, अच्छा एक बात बताओ मुझे, z^(1/6) इसका स्क्वेयर करो, क्या आएगा? तो 1/3 हो जी जाएगा सर, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर के ऊपर दोबारा से पावर, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसको यहां से आप यस। कट z^(1/3) आएगा, मतलब z^(1/3) को आप ये लिख सकते हो, लिख सकते हैं।
जेड रेज टू पावर 1/3 का आप क्या लिख सकते हो, जेड रेज टू पावर 1/6 का होल स्क्वेयर, माइनस तो आप लिख सकते हैं 1 होल स्क्वेयर अपॉन जेड रेज टू पावर 1/6 माइनस 1। अच्छा एक बात और, अगर आप इसमें एक्स को डायरेक्ट 1 पुट करते तो ये 0/0 हो जाता। क्या हो जाता? 0/0, मतलब ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, सो एक्स को अगर हम, सॉरी यहाँ पर एक्स नहीं, जेड है, जेड अप्रोचेस टू वन। न्यूमरेटर में क्या कर सकते हो बच्चों आप? फैक्टर फैक्टराइज, दैट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर अप्लाई कर सकते हैं। क्या होते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फैक्टर? ए प्लस बी माइनस तो ये होगा जेड टू द पावर 1/6 माइनस 1 इंटू जेड टू द पावर 1/6 प्लस 1, एंड अपॉन क्या है, जेड टू द पावर 1/6 माइनस 1। करेक्ट, ये कट हो गया और आपके पास बाकी क्या बचेगा, लिमिट जेड अप्रोचेस टू 1, जेड रेज टू पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन जेड रेज टू पावर 1/6 प्लस 1। ठीक है, अब जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू हमारी 1 है, तो इसमें आप जेड है, जेड को क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। सिर्फ ऊपर वाली टर्म बचेगी। जेड को 1 डालेंगे, 1 टू द पावर 1/6 प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1, सो इट इज 2। ठीक है, चले बच्चों आगे 11th क्वेश्चन ट्राई करो। इलेवेंथ क्वेश्चन ट्राई करो। बराबर, फिर ए प्लस बी प्लस सी बाय सी प्लस बी प्लस ए वन ए इंटू एक्स को हो अगर आप, जाएगा ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी अपॉन क्या आएगा, सी इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी। तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे भी क्या है बच्चों, ए प्लस बी और प्लस सी कैंसिल होगा और क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस सर ठीक है। यस सर। 12th क्वेश्चन देखो बच्चों। इसको ट्राई करो, डायरेक्टली आप इसमें -2 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म है, दिखाई दे रहा है ये 0/0 फॉर्म है, तो डायरेक्टली तो आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आप एलसीएम लो, इसमें न्यूमरेटर में क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा न्यूमरेटर का 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स अपॉन क्या है, एक्स प्लस टू। सो व्हाट इज इट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, 2 प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस टू। सर वहां 2x नहीं आएगा एलसीएम में?
हाँ टू डिनोमिनेटर, टू टू एक्स एक्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, 2x, 2+x को 2+x से आप कट कर सकते हैं, तो आपके पास बचेगा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 1/2x। तो और इसमें वैल्यू डालनी है अब हाँ, इसमें आप वैल्यू माइनस डाल टू, दें। 1/-4। अनिशा कितने हो गए? आ गया बच्चों आंसर, आ गया। यस सर, देखो बच्चों, लिमिट के कुछ रिजल्ट्स हैं, क्या है, नोट डाउन करो इनको। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ई, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। दिस इज एन ए टू द पावर एन माइनस वन। एग्जाम्पल, जैसे कि जैसे आपके पास ही आ जाता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ध्यान से देखो ये लिमिट का रिजल्ट कैसे है। एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ए को। लिमिट पॉइंट क्या है यहाँ पर, लिमिट पॉइंट क्या है, ए। यहाँ पर एक्स और ये दोनों की इक्वल पावर है ना। नीचे भी एक्स और ए है, पर वो विदाउट पावर है, 1/1 पावर है। तो ये क्या आएगा आपके पास, एन ए टू द पावर एन माइनस वन। तो यही रिजल्ट हम इस पे अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू है, ऊपर भी एक्स और टू की टर्म है, लेकिन दोनों की सेम पावर है, नीचे एक्स माइनस टू है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4। ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी, और इस नंबर की जो पावर है वो एक कम हो जाएगी, जैसे 2 टू द पावर क्या हो जाएगी, 3। तो 4 × 8 32। ठीक है, 32 आएगा। ओके सर, जैसे लिमिट एक्स क्यूब -27/(x-3) और एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को, साहिरा क्या आंसर आएगा इसका। सर 3 × 3 का क्यूब, लिमिट एक्स ठीक अप्रोच, दिस इज एक्स क्यूब, क्या है ये, एक्स क्यूब है। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब तरीका का क्यूब। नीचे क्या सर, है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी, और x² + 3x + वो निकलेगा 9। बेटे हमें वो आइडेंटिटी नहीं लगानी, हमें उसमें चलिए डालना ना ₹3² आ जाएगा एन, सर। आप नहीं, इस, x-3 निकल जाएगा ना, अच्छा एक्स एन एक्स माइनस वन है, 3 × 3² इसको इसको 3 × 3² 3 में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 3 की पावर 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, सर। ट्वेंटी अच्छा, सेवन ठीक है ठीक हाँ बेटा है सर। सर नहीं समझ आ गया। आगे।
है, उस आइडेंटिटी से भी आंसर आ जाएगा, बट हम डायरेक्ट, हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है, हम यही लगा सकते हैं। ओके सर, ठीक है, तो लिमिट का रिजल्ट क्या है बच्चों? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, एक और रिजल्ट होता है बच्चों हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन के इक्वल होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस एक्स इज ऑल्सो वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कॉस एक्स इज ऑल्सो वन। एंड फोर्थ रिजल्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स दैट इज ऑल्सो वन। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, लॉग वाला करें या नहीं करें, एनसीईआरटी में तो नहीं है। सॉरी, 1 + x है। ओके 1 + x लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग ऑफ 1 + x अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू वन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज वन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ ए। ये कुछ रिजल्ट्स हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के, ये आपको याद रखने हैं। देखो जरा बच्चों आपका जो 6th क्वेश्चन है क्या है वहां पर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 + x^5 -1 / x क्या करेंगे बताओ जरा। एक बात पे ध्यान दो बच्चों, 1 + x^5 -1। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, डिनोमिनेटर में यहाँ 1 ऐड कर देता हूँ, 1 ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, लेट 1 + x इज इक्वल टू वाई, 1 + x को क्या अज्यूम कर लें, वाई के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, लेट 1 + x इज इक्वल टू वाई। बच्चों जैसे ही एक्स 0 को अप्रोच करेगा, 1 + x को हमने क्या लिया है, वाई लिया है, जैसे ही एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो यहां तो 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या है, सर हम इसमें मतलब सीधा वैल्यू क्यों नहीं डाल सकते हैं? बताता हूँ। 1 + x, हमने 1 + x को वाई लिया है, तो जैसे ही एक्स 1 को अप्रोच करेगा यहाँ पर एक्स को 0 डाल दो, तो वाई किसको अप्रोच करेगा, 1 को। एक्स अगर 0 को अप्रोच करेगा तो वाई 1 को अप्रोच करेगा, तो हम अपने लिमिट को चेंज कर सकते, लिख सकते हैं वाई अप्रोचेस टू 1। ये हो गया 1 to the power 5 - 1, सॉरी क्या लिखा मैंने, y^5, 1 + x की जगह क्या लिखेंगे, y माइनस में 1 / y - 1। और बच्चों ऐसा ही रिजल्ट अभी अभी करके आए हैं, लिमिट x^n - a^n / x - a।
तो ये वाई टू द पावर 5 माइनस 1 वाई टू 1 टू द पावर 5, ठीक है, क्या आना चाहिए इसका आंसर? ये 5 पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और 1 की पावर 1 कम हो जाएगी तो 4 हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 1, ठीक है। डायरेक्ट लगाना चाहते हो? अगर डायरेक्टली अप्लाई करते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर 1 ऐड किया 1 माइनस किया, सारे डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा? क्या रिजल्ट, लिमिट का रिजल्ट क्या आएगा? जीरो पॉइंट जीरो नहीं, एक्स को 0 डालोगे, इसको 5 1 की पावर 5 लिखो, ऊपर भी एक्स प्लस 1 माइनस दिस है, नीचे भी एक्स प्लस 1 माइनस दिस है, न्यूमरेटर में 5 पावर है, सेम पावर है, तो ये हमारा लिमिट के उस रिजल्ट जैसा बन गया ना, है ना? अभी जो करके आए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। यस सर। सिमिलर वे देखो क्या है, एक्स की लिमिट ए को अप्रोच करनी चाहिए, मतलब इस वाले नंबर इसको अप्रोच करना चाहिए, ऊपर दोनों से वही होना, वैसा ही होना चाहिए, बट पावर अलग होनी चाहिए। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 प्लस एक्स किसको अप्रोच करेगा? 1 को, ऊपर भी यही दोनों नंबर है, एक्स प्लस 1 और माइनस में 1, बट उनकी पावर्स अलग है, और ऐसा होता है तो क्या आंसर होता है इसका? पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, 5 इंटू 1 क्या होगा? 5 होगा, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, सब्सटीट्यूट करके लगाते ज़्यादा अच्छा है। बच्चों एक क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, क्या आंसर आएगा? देखो बच्चों, हम एक लिमिट का रिजल्ट पढ़ के आए हैं अभी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1। बच्चों ये क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स, इस बी को सेपरेट कर दो, इस बी को सेपरेट कर दें, और बच्चों हमने लिमिट में क्या रिजल्ट पढ़ा है? हमने किया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1, एक्स की लिमिट 0 हो और यहाँ पर साइन के एक्स, साइन के साथ में जो नंबर है एक्स वही नीचे होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर तो साइन के साथ में ए एक्स है, नीचे अकेला एक्स है, तो हम इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को एक्स को ए से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी ए मल्टीप्लाई करना होगा, अकेला आप डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। अब इस टर्म को, एक्सप्रेशन को देखो, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, हमने क्या सीखा था? साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू ए बाई बी, ठीक है। चलो 14th क्वेश्चन करके दिखाओ इस बार,
बच्चों आया 14th क्वेश्चन। बच्चों 14th क्वेश्चन आया। नहीं सर, नहीं निकल रहा। नहीं निकला। देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, ये क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन ए एक्स ऐसा दिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, साइन ए एक्स, बच्चों हमने अभी सीखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1, ठीक है। तो यहां पर साइन के एंगल में जो टर्म है वही नीचे होनी चाहिए, ऐसा है जो हमने फॉर्मूला किया है। फॉर्मूले में जो साइन के एंगल में टर्म है वही क्या होनी चाहिए? डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो यहां पर एंगल में क्या टर्म है? एंगल में टर्म क्या है? ए एक्स। तो नीचे भी क्या होना चाहिए? ए एक्स ही होना चाहिए, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में ए एक्स है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? ए एक्स ही होना चाहिए। ए एक्स से आपने डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा। यहां पर देखो जरा, साइन बी एक्स है तो साइन के डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए? बी एक्स होना चाहिए। बी एक्स से आपने डिवाइड किया है तो बी एक्स से आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये समझ आया? एक्स से एक्स को आप कट कर दीजिए। बच्चों ये जो फंक्शन है इस ये क्या बनेगा? इसकी लिमिट क्या होगी? 1 इंटू में इसकी इसकी लिमिट क्या होगी? ये भी क्या होगी? 1। आंसर कितना क्या आएगा? 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। ए ओवर भी हो जाएगा ना। हाँ ए और बी, सॉरी ए और बी साथ में है तो ए और बी आंसर आ जाता है। एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, साइन 3x अपॉन साइन 4x, जरा इसका आंसर निकालो। अनीशा डाउट कर दिया बस। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? थ्री बाय फोर, हरी भाई सर 3/4 ही आ रहा है। साइन 3x अपॉन 3x होना चाहिए, इंटू 3x करेंगे आप, 1 अपॉन साइन 4x है, डिवाइडेड बाय 4x करेंगे, अपॉन 3x इंटू 3x। यहाँ पर क्या है? साइन 4x, अच्छा यहाँ पर 4x, हाँ चलो यहाँ पर 4x, ठीक है बच्चों। एक्स से एक्स कट हो जाएगा, ये एक्सरसाइज को पूरी करेंगे। ये वन होगा बच्चों, इसके इसका आंसर क्या होगा ये बताओ बच्चे।
देखो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, ये उल्टा है एक्स अपॉन साइन एक्स, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 1, दैट इज ऑल्सो 1, इसका आंसर भी क्या होगा 1 ही रहेगा, इनटू में ये 4 है साथ में, तो आंसर क्या आएगा आपका 3x। साइरा समझ आएगी यस सर, ना? यस सर, लिमिट यस। एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 3x अपॉन 10 bx, चलो इसका आंसर निकाल के बताओ। कर सकते हैं बच्चे, फाइंड आउट कर सकते हैं इसका आंसर, कनाउ यस सर। करो ट्राई। कनाव तो बैठ के मैच देखता है। मैंने कहा मैच देख है? सर कैसे होएगा ये क्वेश्चन, निकल कराओ तो। सर ये 10 bx है। नोटबुक जब पीछे से ब्लर हटाते हैं तब नोटबुक दिखती है, वैसे नहीं दिखती। अब दिखाई दे रही है, आगे वाला समझा है जो अभी दिया मैंने। ओके नोट पे हैं आप शायद का नाम कनवा, आप नोट पे हैं। सर बेटा अगर लिमिट के क्वेश्चन में आपने लिमिट नहीं लिखा ना, LIMF=0, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइरा साइन 3x, विष्णु आप दिखाओ क्या किया आपने पहले। ये वाला तो नहीं हो रहा, बाकी दिखा। ये वाला नहीं हो रहा, लिमिट नहीं सर, एक्स अप्रोचेस टू 0 देखो जरा, मैंने क्या लिखा था साइन 3x अपॉन टेंजेंट bx, क्या लिखोगे इसको, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x लिखोगे, यहाँ पर क्या है टेंजेंट bx, इसके नीचे bx लिखो या ऊपर bx लिख लो। अच्छा बच्चों आपने 3x से डिवाइड किया था तो 3x से मल्टीप्लाई करना होगा, बी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो बी एक्स से डिवाइड करना होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास क्या आएगा साइन 3x अपॉन 3x क्या हो गया 1, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोच 0 को अप्रोच कर रही है, और यहाँ पर दिस इज ये भी क्या होगा 1 होगा, आपके पास बचेगा 3 अपॉन b, तो 3 अपॉन b आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका 16th क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स,
क्या होगा? कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। अगर आप कॉस एक्स को जीरो डाल देते हैं तो, एक्स को जीरो डाल देते हैं तो कॉस जीरो बनेगा, और नीचे क्या होगा? पाई माइनस जीरो। कॉस जीरो क्या होता है? वन। अच्छा आंसर क्या आएगा आपका? वन अपॉन पाई। सारा प्रॉब्लम बेटा। नहीं सर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, कॉस टू एक्स माइनस वन अपॉन कॉस एक्स माइनस वन। तो 15th वाला रह गया क्वेश्चन। हाँ वो अभी छोड़ा हुआ अभी का ओके ना, बताओ कैसे होगा। कर रहा हूँ। विष्णु कैसे होगा? देख रहा हूँ सर। बच्चे एक काम करो, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स की एक आइडेंटिटी होती है वन माइनस टू साइन स्क्वेयर एक्स, है ना? या वो रहने दो, वो वाली एक दूसरी वाली एक, टू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वन, और माइनस में वन है पहले से भी है, तो ये क्या हो जाएगा? टू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वन माइनस में वन, और डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस एक्स माइनस वन। क्या बनेगा? टू इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस टू, और नीचे क्या है? कॉस एक्स माइनस वन। ठीक है, टू कॉमन ले लो, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वन, और नी डिनोमिनेटर में क्या क्या है? कॉस एक्स माइनस वन। ठीक है, न्यूमरेटर में जो वन है उसको वन का स्क्वेयर लिख सकते हैं, 4 आ रहा है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अप्लाई करो, जरा क्या लिखा जाएगा? कॉस एक्स माइनस वन इंटू कॉस एक्स प्लस वन अपॉन में क्या है? कॉस एक्स माइनस वन, ये कट हो जाएगा, एक्स को जीरो डालेंगे आप तो टू इंटू कॉस जीरो इज वन प्लस वन, फोर आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर स्ट्रेट लाइन का पूरा, स्ट्रेट लाइन पूरा हो जाएगा नेक्स्ट क्लास तक। विष्णु हाँ यस सर। मिसलेनियस तीन तो हो जाएगा। कितने तक हो गए? सायरा मिसलेनियस, सायरा कितनी एक्सरसाइज करी आपने? दो करिए सर, हो जाएंगे अगली क्लास तक सारे। आते आपको एक और नहीं करके आनी थी, थर्ड थ्री तक पूरा नहीं करना ना? आपने कितने रिपीट कर लिए? ठीक सर दो हो गई थी मेरी और तीसरी थोड़ी सी शुरू की हुई। सर दो तो मेरी उस दिन ही हो गई थी जिस पिछली लास्ट में। आज क्यों नहीं करी, कल क्यों नहीं करी? और आगे सर कल भी मैं आया ही था आपके पास क्लास के लिए, आज स्कूल गया था, बस अभी करूंगा। अच्छा, सायरा आप भी पूरी करो बेटे। विष्णु यस सर। आप मिस, मिसलेनियस आप मिसलेनियस खत्म करके आओ, ठीक है? चलो सभी लोग ही करके आएंगे। गुड थैंक यू सर। नाइट बेटा। बेटा।